क्या हुआ? क्या हुआ गौरी को? गौरी और सिद्धि शेषनाग जी को दूध पिलाए थे। दूध गर्म होने की वजह से जैसे ही गौरी कटोरा हटाने जा रही थी तो शेषनाग जी ने डस लिया उसे। शेषनाग, आज आपने अपने शिवजी की सबसे बड़ी भक्त को डसा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको कष्ट नहीं देना चाहती थी। आपने उसे डसकर सिर्फ मेरे और यहां मौजूद लोगों के नहीं बल्कि भोलेनाथ का भी दिल तोड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ नाराज ना हो, मेरी गौरी की जान बख्श दीजिए, बचा लीजिए मेरी गौरी को। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। धन्यवाद शेषनाग, धन्यवाद। गौरी, गौरी तुम ठीक हो? अब यहां कब आए? भोलेनाथ, मेरी गौरी की जान बचाने के लिए शुक्रिया। और मेरे मुंह से कुछ भी गलत निकला हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आज आपने मेरे गौरी के प्राण बचाकर मुझे मेरी दुनिया लौटा दी है। गौरी बहुरिया, तुम्हें तो शेषनाग जी का आशीर्वाद मिल ही गया। जय हो, जय हो। तुमने अपने पति के सारे कष्टों को हर लिया बेटी, तुम सफल हुई। सिद्धि, आज रात को कुछ स्पेशल खाना बनाना, मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं घर पर। विनायक का मैसेज? लेकिन विनायक तो यही है, तो फिर ऐसे मैसेज? महाआरती का समय हो चुका है, सभी भक्तगण आगे आ जाइए। पंडित जी, चढ़ावा चढ़ाना था। लाइए, दीजिए चढ़ावा। अब वैसे हम इतना बड़ा चढ़ावा चढ़ा रहे हैं तो पहली आरती तो हम ही करेंगे। आरती के लिए अयोध्या से सुमित्रा देवी भारद्वाज जी आ गई हैं।
आप बड़े शुभ मुहूर्त में पधारे हैं। बस अभी महाआरती शुरू होने ही वाली थी। आइए आरती शुरू करते हैं। एक मिनट, सबसे बड़ा चढ़ावा हम चढ़ाएं और पहली आरती आप इनको दे रही हैं। मतलब सबसे बड़ा प्राचीन मंदिर बनारस का हमारा, ये अयोध्या से आएंगी और आरती कर लेंगी। कौन है ये, क्या है इनका रुतबा? कहीं सबको पता ना चल जाए कि ये असली नहीं नकली नोट है। कि हम अयोध्या नगरी में रहने वाले सुमित्रा देवी भारद्वाज हैं। नमस्कार सुमित्रा जी। अगर आप चाहती हैं कि पहले आरती आप करें तो आप कीजिए। सच्ची श्रद्धा में पहला दूसरा नहीं होता। हमें आपसे भीख नहीं चाहिए। सबसे बड़ा चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं आरती सबसे पहले हम ही करेंगे। शकुंतला जी, ईश्वर को पैसे से नहीं तोला जाता। ईश्वर तो सबके होते हैं, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। शकुंतला देवी, अगर आप बुरा ना माने तो क्यों ना हम मिलकर महाआरती करें और भगवान को अपनी एकता दिखाए। बहन जी, आप भी आइए ना। जी सुमित्रा जी। गर्व, गौरी कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ, अभी उसकी हालत बेटर है। दरअसल हमें एक बार गौरी से पूछना था कि उसने सच में विनायक को देखा है क्या। हमें विनायक का मैसेज आया, वो तो आगरा में ही है। गौरी सच कह रही थी सिद्धि, लेकिन मैंने भी माया और विनायक को उस मंदिर में एक साथ देखा था। और मैंने जब विनायक से पूछा तो विनायक ये पूजा अपनी पत्नी के साथ की जाती है, तो माया के साथ क्यों बैठा है? एक्चुअली इन्होंने भांग खा लिया था और नशे की हालत में वो यहाँ आ गए और जिद करने लगे कि पूजा करनी है, तो मैं भी उनके साथ बैठ गई। नहीं, हमारी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती। सिद्धि, किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी चोट अपने देकर जाते हैं। कर, हमें फिर भी एक बार गौरी से मिलना। आओ चलो। गौरी, गौरी, ये कहाँ चली गई? मैं गौरी को यहीं पे लटका कर गया था। गौरी, 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 गौरी। ओम नमः शिवाय। गौरी, 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 गौरी,
तरफ भी नहीं है। कहाँ गई होगी गौरी? जितनी तड़प तुमने मुझे दी है गौरी, उससे दुगनी तड़प मैं तुम्हें दूंगा। वैसे अगर तुम चाहो तो इस तड़प से बच सकती हो। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। किसका काम हो सकता है ये? सपेरे का काम हो सकता है, जिसने इससे पहले भी गौरी की जिंदगी खतरे में डाली थी। इसका मतलब गौरी का कोई ना कोई दुश्मन यहां भी है। सिद्धि, हमें कुछ भी करके गौरी को ढूंढना होगा। गौरी, आज तुम्हारी लाश इस मंदिर से जाएगी। इतनी कीमती जान बचाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी कीमत मांग रहा हूं। गाड़ी, बंगला या दौलत नहीं मांग रहा, बस एक रात गुजार लो मेरे साथ, उसके बाद तुम आजाद हो। बोले ना, प्लीज हमारी सहेली गौरी को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। माफ कीजिए सिद्धि। गौरी मिल गया? नहीं, तुम्हें पता चला गौरी का?
आप लोग किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? जी, हमारी सहेली गौरी को। किसी सपेरे को तो नहीं? हम जानते हैं वो सपेरा इधर ही कहीं गया है। हमें भी थोड़ा अजीब लग रहा था, मतलब वो सपेरा इतनी भारी चीज अपने कंधे पे लेके जा रहा था और वो अपनी बीन भूल गया था। आप ही बताइए भला कोई सपेरा अपनी बीन कैसे भूल सकता है? इसका मतलब उसके कंधे पर गौरी थी। तुम प्लीज बता सकती हो कहाँ गया? कहीं नहीं, हम मधुपुर के किसान और अयोध्या की बेटी, लोगों की मदद करना हमारे खून में, हम आप लोगों की मदद जरूर करेंगे। आइए हमारे साथ इस तरफ। हमने बस यहाँ तक आते हुए देखा था उसे। इसका मतलब वो सपेरा गौरी को ज्यादा दूर तक नहीं लेके गया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप ना होती ना तो शायद हम यहाँ तक भी नहीं पहुँचते। हमरा नहीं, भोलेनाथ का शुक्रिया अदा कीजिए। हम तो बस यहाँ के दर्शन करने आए थे, शेषनाग मंदिर। हमारी एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली, बस उस नई शुरुआत का आशीर्वाद लेने आई थी। और हम भोलेनाथ से जरूर बोलेंगे कि वो आपकी पत्नी को जल्दी मिलवा दे आपसे। भगवान करे तुम्हारी ये नई शुरुआत कामयाब हो, तुम्हारी फसल भी मुस्कुराए और तुम भी। शुक्रिया, और कोई भी मदद चाहिए होगी तो हमें जरूर बोलिएगा। 8:30 बजे से हम आप लोगों के साथ जुड़ जाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। और हमें पूरा यकीन है कि राम जी आपको आगे का रास्ता जरूर दिखाएंगे। हम चलते हैं। जय श्री राम। शेषनाग हमें रास्ता दिखा रहा। चलो। बोला मंजूर है क्या? कमरे में खबरदार अंदर आने की कोशिश की तो अंदर आए तो मैं गौरी को जान से मार दूंगा। नचिकेत, कर तुम अंदर जाके गौरी को बचाओ, हम जाके शेषनाग जी को धन्यवाद करके आते।
गौरी, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस कैप्सूल को जहरीली गैस से भर दूंगा मैं। अगर गौरी को कुछ भी हुआ ना तो यहां से जिंदा नहीं जाएगा। मैं तो यहां से जिंदा चला जाऊंगा, तू बस ये सोच कि गौरी यहां से जिंदा कैसे जाएगी। जितना तू आगे आएगा इसमें जहरीली गैस उतनी ही तेज होगी। नचिकेत छोड़ दे इसे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। गौरी, जब तक ये रिमोट मेरे हाथ में रहेगा तब तक तू भी बेबस रहेगा। गौरी, गौरी, इस पापी के चंगुल से बचाइए हमें, रक्षा कीजिए हमारी। ये तो टूट गया। गौरी, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हिम्मत रखो। गौरी को अंदर से कैसे निकालो? गौरी, पीछे हो जाओ, आंखें बंद करो, बैठ जाओ। हर हर महादेव। धर्मस्य ह्रियमाणस्य बलवद्भिर्दरात्मभिः। ॐ ना ना ना।
गौरी, अब हम भी चलते, हमें आगरा पहुंचना होगा। हमने विनायक जी को देखा था, जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम अपना ख्याल रखना और जाकर पता करो कि आखिर माजरा क्या है। तुम भी ख्याल रखना। चलते भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। आप सुमित्रा जी हैं ना? हाँ। नमस्ते। नमस्ते। बहुत सुना है आपके बारे में। आप बनारस में आई, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर बेटा। आपसे फिर कब मुलाकात होगी? तुम चिंता मत करो बेटा, अब तो मुलाकात होती ही रहेगी। अच्छा बेटा, तो अब हम चले? जी। गौरी, चलो पूजा पूरी करो। एक मिनट, गौरी कैसे कर सकती है ये पूजा? इसका तो निर्जला व्रत टूट चुका है। पंडित जी ने अपने हाथों से इसके मुंह में वो बेलपत्र का रस और दूध डाला था। ये आपका भ्रम है शकुंतला जी। इस लड़की को 100 साल के इतिहास में पहली बार शेषनाग जी दर्शन दिए हैं। इन पर साक्षात भोलेनाथ का आशीर्वाद है, इसलिए इस पूजा पर विघ्न डालने का सोचिएगा भी नहीं, नहीं तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। सको, पंडित जी सही कह रहे हैं। गौरी पूजा करेगी और आज ही करेगी। गौरी बहुरिया, पूजा करो। जी छोटी माई। अभी चुप रहिए, करुणा बहुत गुस्से में है, कुछ मत बोलिए। कहा पता कुछ अनाप शनाप जवाब दे दिया तो। मैं आज के बाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और अगर किसी ने तुम पर हमला करने की कोशिश की ना, तो मैं उसे जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे हर दुश्मन को मुझसे होकर गुजरना होगा, फिर चाहे वो मेरा अपना ही क्यों ना हो।
जी इंस्पेक्टर, मैं उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार, आप बस कैसे भी करके ना उसे अरेस्ट करिए प्लीज। या किसे पूछकर तुमने इंस्पेक्टर को फोन किया है इस मामले में? मेरी समझ में एक बात नहीं आती है मॉम, आपको उस नचिकेत से कौन सा लगाव है तो आप मुझे उसके खिलाफ कंप्लेंट करवाने से मना कर रही हैं? सबको कहीं ऐसा तो ना है ना कि तुम नचिकेत से मिल करके गौरी बहुरिया के खिलाफ साजिश रच रही हो? अगर मॉम मुझे पता चला कि ये सब कुछ आपने किया है तो मैं गौरी को लेकर इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। मैं मेडिकल लैब से आया हूं। आइए आइए, ये लीजिए डीएनए रिपोर्ट। ये सब क्या है मॉम? मैंने मना किया था ना कि डीएनए टेस्ट नहीं होगा, फिर क्यों करवाया आपने? ताकि इन दोनों बहनों की असलियत सबके सामने आए। और ये है सबूत इनकी असलियत का। बहुत भरोसा करते हो ना तुम इन दोनों के ऊपर। लो तुम खुद देख लो इसमें क्या लिखा है। इन रिपोर्ट्स में लिखा है मॉम जो गंगा के पेट में बच्चा है ना वो युग का है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.